हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुमाइल है, आप लोग देख रहे हैं आर्किटेक्ट न्यूज़। स्टार्ट करता हूं आज की वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे फ़ोन के बारे में जो कि आएगा और छा जाएगा, मतलब कमाल कर देगा, धमाल कर देगा, और कैमरा डिपार्टमेंट में तो बहुत ही ज़्यादा कमाल कर देगा, और परफॉर्मेंस में भी सबसे ज़्यादा ऊपर होने वाला है। ये एक मिड रेंज फ़ोन है हवावे की तरफ से। आप सब जानते हैं कि हवावे पे जो बैंड है वो लिफ्ट होने वाला है 3 मंथ्स के लिए, मतलब ये चलता रहेगा। 3 मंथ बाद दोबारा 3 मंथ मिल जाएंगे, फिर 6 मंथ मिल जाएंगे। मतलब फोकस ये है कि हवावे को जो है वो सही से बिजनेस नहीं करने देना है। US ने जो है वो सोच लिया है कि हवावे को जो चाइनीज़ जो है वो ब्रांड है उसको इन्होंने जो है तंग करते रहना है, लेकिन उसको ख़त्म भी नहीं करना, उसको टोटली बैंड भी लगाना। जो टोटली बैंड लगाते हैं तो इन पे भी, इनकी जितनी भी चीज़ें हवावे यूज़ करता है, जाहिर सी बात है बिलियंस में उसके फ़ोन हैं। अब इतने सारा फ़ोन्स हैं और इतने सारे कस्टमर है तो वो एकदम इतने सारे कस्टमर नहीं खो सकते, तो लेकिन तंग करते रहना है। खैर, ये तो अलग डिबेट है। बात करूँ अगर फ़ोन की, तो यहाँ पर जो फ़ोन निकल के आता है बहुत ही कमाल है। इस फ़ोन का नाम है हवावे नोवा 6। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, कुछ ऐसा होने वाला है ये फ़ोन। यहाँ पर जो रेजेमलेंस है इसकी, जो लुकिंग फील की, वो थोड़ी थोड़ी मिलती है सैमसंग गलेक्सी S10 Plus से भी। बिल्कुल वैसे ही इसकी नॉच होने वाली ऊपर की तरफ। साइड में जो है वो एक पंच होल डिस्प्ले है। इसमें जो है 2 कैमरे हैं, इसलिए थोड़ा बड़ा है। और यहाँ पर आपको जो डिज़ाइन मिलता है बहुत ही कमाल मिलता है, लेकिन जो स्क्रीन है वो IPS LCD होने वाली है, क्योंकि ये एक मिड रेंज फ़ोन है। लेकिन इसमें स्क्रीन के अलावा कोई भी मिड रेंज वाली बात नहीं है, मतलब सारी बात जो है वो एक हायर एंड फ़ोन की है। सबसे पहले बात करूँ अगर कैमरा की, तो कैमरा तो कमाल ही होने वाला है। यहाँ पर आपको 60 मेगापिक्सल का सोनी का बिल्कुल न्यू सेंसर मिलेगा, IMX686 वाला, जो कि अब तक किसी फ़ोन में यूज़ नहीं हुआ वो इसमें यूज़ होगा। 60 मेगापिक्सल का सेकेंडरी लेंस 16 मेगापिक्सल का है, जो कि एक वाइड एंगल मोड है। थर्ड लेंस जो है वो 2 मेगापिक्सल का, जो कि एक डेप्थ सेंसर है। फोर्थ लेंस जो है वो 2 मेगापिक्सल का, जो कि एक मैक्रो लेंस है। और फ्रंट पे भी आपको 2 सेल्फी कैमरे मिलते हैं, 32 प्लस 12 मेगापिक्सल का, और 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल मोड है। तो कैमरे में बहुत ही कमाल करने वाला है। और आप खुद सोचें कि सोनी का इतना अच्छा सेंसर 60 मेगापिक्सल वाला आपको मिड रेंज में मिल रहा है, तो क्या कैमरा होने वाला है। मैं बात करूँ अगर इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फ़ोन भी होने वाला है। यहाँ पर आपको इनका खुद का किरिन 990 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो वो स्नैपड्रैगन 855 से भी ज़्यादा कहीं ऊपर आता है। तो परफॉर्मेंस भी टॉप नॉच होने वाली है और कैमरा भी कमाल होने वाले हैं। अब बात करूँ प्राइसिंग की, तो यहाँ पर आपको जो प्राइसिंग निकल के आती है सामने, वो ऑलमोस्ट $300 to $350 तक हो सकती है इसकी प्राइसिंग, और उसका $400 भी हो सबसे हायर एंड जो इसकी उसकी है 8GB 128GB वाले की। लेकिन यहाँ पर आपको जो है जो स्पेक्स देखने को मिलती है वो कमाल है। अब इंतज़ार सबको ये है कि ये बैन जो है वो हटने वाला है, जल्द से जल्द हटे और हवावे जो है मार्केट में दोबारा इन हो, और जितने भी हवावे के चाहने वाले, जितने भी हॉनर के लोग फ़ोन यूज़ करने वाले हैं, वो दोबारा बैक ऑन ट्रैक हो जाए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।